हे एवरीबॉडी, आई एम रिचा। वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। आज का जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी बहुत इंटरेस्ट का हो सकता है जिन्हें स्पेस मिशन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी है। आपने देखा होगा पिछले साल और इस साल में बहुत ज़्यादा रेस चल रही है टू गेट इन टू डिफरेंट प्लैनेट्स, डिफरेंट सैटेलाइट्स, डिफरेंट स्टार्स, एस्टेरॉयड तक पहुँचने की जंग चल रही है, होड़ चल रही है। तो क्या है ये सारे स्पेस मिशंस, इंडिया की क्या पोजीशन है, हाल ही में कौन से स्पेस मिशंस इंडिया ने लॉन्च किए हैं, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है इसरो की, कौन सी वो टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हमें जाननी जरूरी है एग्जाम और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम स्पेस मिशंस को और इस पूरी साइंस टेक जो कि इसके पीछे उसको बेटर समझ सकें, आज का सेशन उसी के बारे में है। और ये एनसर्कल करेगा खास तौर से इंडियन स्पेस मिशंस के आगे पीछे, यानी कि हम पढ़ेंगे इसरो और उसके मिशंस जो हाल ही में हुए हैं या पहले हुए हैं पर आज भी ग्लोबल लेवल पे इंडिया की छाप छोड़ने में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, या फिर फ्यूचर जो अनाउंस हो चुके हैं मिशंस उनके बारे में भी। ठीक है, सो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अबाउट इंपॉर्टेंट रीसेंट एंड अपकमिंग स्पेस मिशंस ऑफ इंडिया। एंड बाद में आफ्टर यू नो कवरिंग इंडिया, हम नासा, देन जापान की एजेंसीज, चाइना की एजेंसीज, दूसरे देशों की एजेंसीज जो स्पेस में पहुंचने की कवायद कर रही हैं, रशिया, उन सब के बारे में भी कवर करेंगे। बट आज अभी हम पहले फोकस करेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लाइक आई टोल्ड यू, स्पेस मिशंस के बारे में जानने से पहले बहुत ज़रूरी है बेसिक टर्मिनोलॉजी जानना। जैसे आप सुनते होंगे कि मार्स पे लैंडर भेजा गया, रोवर भेजा गया, या फिर चांद पे ऑर्बिटर मिशन भेजा गया, तो क्या होता है ये लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्बिटर क्या होता है। ऑर्बिटर, ऑर्बिट क्या होती है? ऑर्बिट जैसे कोई एक प्लैनेट है और उसके आसपास ये जो परिधि बोलें आप, कोई घेरा बोलें, तो ऑर्बिटर क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में ही चक्कर काटता रहेगा, टच नहीं करेगा लैंड को। ठीक है, ये मैंने आम भाषा में समझा दिया, अब हम पढ़ लेते हैं। ऑर्बिटर फ्लाई अराउंड द प्लैनेट मेकिंग ऑब्जर्वेशन। अब अगर वो आसपास उड़ रहा है सिर्फ एटमॉस्फेयर में, या प्लैनेट के सरफेस को टच नहीं कर रहा, ऊपर उड़ रहा है, तो किन चीज़ों की स्टडी करेगा वो? वेदर की स्टडी करेगा, एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा, और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है कई बार, जो कि अगर सरफेस पे कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है तो वो कम्युनिकेशन होगा ऑर्बिटर से, और ऑर्बिटर करेगा अर्थ के स्टेशंस के साथ में। ठीक है, ऑर्बिटर समझ में आ गया, जो ऑर्बिट करता रहता है, उतरता नहीं है सरफेस पे। फिर हम आते हैं रोवर के बारे में। हाल ही में आपने जो मार्स मिशन चल रहा है अमेरिका का, नासा का परसीवरेंस जो उसका नाम है, उसका रोवर उतरा था मार्स के ऊपर, बहुत हो हल्ला वाह हुआ था। तो रोवर क्या होता है? रोवर लैंड पे उतरता है, ये तो हमें पता है, लेकिन जो लैंडर होता है वो भी लैंड पे उतरता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? उससे पहले जल्दी से रोवर समझते हैं। रोवर बेसिकली मूव करने वाला एक ऐसा डिवाइस है, या फिर एक ऐसा आप कह लीजिए दैट इंस्ट्रूमेंट है, जो कि सरफेस पे आगे चलेगा, जैसे कार होती है चार पहियों की, ट्रक्स होते हैं कुछ छह पहियों के, आठ पहियों के, बारह पहियों के, सो रोवर इसी तरह से सिक्स व्हील्ड होता है यूजुअली, और वो सरफेस पे मूव करता है और सारी ऑब्जर्वेशंस लेता चलता है। सो प्लैनेटरी सरफेस एक्सप्लोरेशन डिवाइस है सरफेस, ये सरफेस पे नहीं जाता था, सरफेस पे जाता है, डिजाइन टू मूव अक्रॉस, और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जहाँ इसको उतारा जा रहा है, वो भले से चांद हो, कोई प्लैनेट हो, कहीं भी हो, वहाँ पे मूव करता है, अपनी रीडिंग्स लेता रहता है। ठीक है, सो रोवर समझ में आ गया। अब हम आते हैं लैंडर पे। तो ये देखिए, दोनों जो इमेजेस आप देख रहे हो ये दोनों ही लैंडर की हैं, राइट? ये लैंडर नहीं है, ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है रोवर है, एंड दिस इज द लैंडर। लैंडर क्या होता है? वो एक जगह जाके लैंड कर जाएगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, लैंड कर जाएगा, वो मूव नहीं कर सकता। उसका एक एक्सटेंडेड यू नो आर्म होता है, वो आर्म जहाँ तक जा सकता है, जो काम कर सकता है, बस उतनी ही उसकी रीच है, उसने अपने पाँव जहाँ फिक्स कर लिया, बस उससे ज़्यादा वो आगे मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो अब देखिए, लैंडर एनी स्पेस क्राफ्ट जो कि लैंड करेगा सेफली ऑन टू एनी एक्स्ट्रा सेलेस्टियल या अर्थ के बाहर जो भी स्पेस है उसकी किसी बॉडी पे लैंड करेगा, उसको लैंडर हमने बोल दिया। डिजाइन टू रीच सरफेस ऑफ अ प्लैनेट एंड सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू टेलीमीटर डेटा बैक टू अर्थ। इसका मेन पर्पज क्या होता है? आप जाके उतर जाओ, जब तक आप डेटा वेटा ले रहे हो और वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच नहीं जाए, तब तक आप जिंदा रहो, यानी सर्वाइव करो, जिंदा रहो इन द सेंस कि आप रहो, आप खराब नहीं हो जाओ, टेक्निकल एरर नहीं आ जाए, ताकि वहां से जो भी डेटा है सिग्नल हम तक पहुंच जाए एक बार। ठीक है, देन लैंडर्स अब दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं
जो स्टेशनरी तो सभी होंगे, ठीक है, कुछ होते हैं जो सिर्फ लैंडर होते हैं, उनमें और कुछ नहीं होता। और जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये एक जगह पे आकर के रुक गया। अब इसका ये आर्म अगर आपको दिख रहा हो, ये आर्म है, ये आर्म जहाँ जहाँ तक मूव कर सकता है वहाँ वहाँ तक इस लैंडर की रीच है। और ये है ऐसा लैंडर जिसके अंदर से एक रोवर निकलता है। तो लैंडर अपने साथ रोवर लाता है, लैंडर एक जगह रुक जाता है, रोवर हर जगह घूमता है, फिर वापस लैंडर में आ जाता है या डेटा भेज देता है, ठीक है। तो या तो कंप्लीटली स्टेशनरी होगा या विथ अ रोवर होगा, दो तरह के लैंडर्स हो सकते हैं। तो आई एम श्योर अब आपको जहां भी आप फर्दर इस वीडियो में या न्यूज में या कभी भी न्यूज पेपर में पढ़ोगे कि चांद पे ऑर्बिटर भेजा गया, तो आप समझ जाओगे कि वो उतरेगा नहीं चांद पे। मार्स पे लैंडर भेजा गया तो वो सिर्फ रुक करके कुछ करेगा, या फिर रोवर भेजा गया तो वो घूम फिर के कुछ ढूंढेगा। समझ में आ गई बात? चलिए ऑलराइट, तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं फर्स्ट इंडियंस इनटू स्पेस ऑन मून। ऑन मून पे तो अभी तक गए नहीं इंडियंस, तो इनटू स्पेस ये क्यों हम देख रहे हैं? क्योंकि वापस से जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको स्पेस में भेजा जाने लग गया है पिछले साल से। और 1960s में पहले बहुत रेस थी इंडिया और रशिया के बीच में, और अगेन अब बहुत सारी और कंट्रीज आगे आ रही हैं लोगों को आउटर स्पेस में भेजने के लिए। तो इसलिए अब जरूरी हो जाता है कि हुज हु देख लें हम स्पेस का। तो क्योंकि हम इंडिया से रिलेटेड अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम इंडियंस देख लेते हैं जो स्पेस में गए हैं। फर्स्ट इंडियन इनटू स्पेस, पहले व्यक्ति जो कि स्पेस में गए, राकेश शर्मा। ही इज एन इंडियन एयरफोर्स को बिलोंग करते थे जब ये गए 1984 में। और लेकिन ये चीज, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंडियन मिशन के तहत नहीं गए, ही वेंट थ्रू अ रशियन मिशन, और स्पेस क्राफ्ट का नाम था रशियन सोयूज T-11। ओके, तो इंडिया का अभी तक कोई ऐसा मैन्ड मिशन नहीं रहा है जिसमें इंडियन गया हो स्पेस में। ओके, पर आने वाला है, काम चल रहा है, वो हम आगे अभी देखेंगे। सो फर्स्ट इंडियन इन टू स्पेस राकेश शर्मा, बट ही वेंट थ्रू अ सोवियत या रशियन प्रोजेक्ट या रशियन स्पेस क्राफ्ट, रशियन मिशन। फर्स्ट इंडियन वुमन इन टू स्पेस कल्पना चावला। कल्पना चावला अगेन इंडियन अमेरिकन नेशनैलिटी को बिलोंग करती थी, इंडियन ओरिजिन था उनका, लेकिन वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी और वो अमेरिका के ही मिशन के तहत स्पेस में गई थी। और यहाँ आपका, अच्छा, 1997 में गई थी। और पहला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ, बताइए कौन सा मिशन था या कौन सा स्पेस क्राफ्ट था जिसमें कि कल्पना चावला स्पेस में गई थी और जो वापस आते टाइम क्रैश हो गया था, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स थे सब मारे गए थे उस पर्टिकुलर हादसे में, ठीक है। तो ये दो नाम हम याद रखेंगे, लेकिन ये दोनों ही मिशंस इंडियन मिशंस नहीं थे, ये रशियन मिशन था, ये अमेरिकन मिशन था। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने के लिए जो कि बैकबोन है इंडियन स्पेस मिशंस की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जितना भी रिसर्च वर्क होता है, जितना भी काम होता है स्पेस मिशन से रिलेटेड इंडिया में, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है हेडक्वार्टर्स? बेंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। एंड हु इज द चेयरमैन? करंट चेयरमैन इज के सिवान। आप देखते रहते होंगे न्यूज में, कई बार दिखते हैं ये। सो के सिवान, कैलाश वदिवु सिवान। एस्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 को, और जो फाउंडर थे इसरो के वो थे विक्रम साराभाई जी, और इन्हीं को, विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। कई बार ये सवाल पूछ लिया गया है, बहुत बेसिक हो गया है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में रिपीट कर करके इधर उधर से पूछ लिया जाता है, बेसिक लेवल जो होता है उन क्वेश्चंस में। अब देखिए, दो ऐसे सेंटर्स हैं इसरो के जिनके बारे में जानना जरूरी है। एक सेंटर है जहाँ पे लॉन्च व्हीकल्स को डिजाइन और डेवलप किया जाता है। लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं? जो स्पेस क्राफ्ट को लेकर के जाएंगे, ठीक है, जैसे स्पेस क्राफ्ट है या कोई सैटेलाइट है, लेकिन उसको लॉन्च कैसे करोगे? जमीन से, अर्थ की से बाहर कैसे निकालोगे? तो उसके लिए एक लॉन्च व्हीकल होता है। उस लॉन्च व्हीकल का जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट है वो VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पे किया जाता है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। मुंह से क्या निकल रहा है? तिरुवनंतपुरम के अंदर है। गॉट इट? ये चीज समझ में आ गई, तो हमेशा ध्यान रखेंगे। और दूसरा जो सेंटर है वहां से लॉन्च होता है, जितना भी लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है अपार्ट फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल, डिजाइन और डेवलप हो गया, वो लॉन्च व्हीकल लाया जाएगा। लॉन्च कहाँ से होगा? वो लॉन्च होगा SDSC शार, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से, एंड द नेम ऑफ द सेंटर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी लॉन्च होगा अगर किसी सैटेलाइट का, किसी मिशन का, तो वो यहीं से होगा। बार बार आपको इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अब कहाँ से हुआ होगा, इंडियन है, इंडिया से ही लॉन्च हुआ है अगर, तो यहीं से होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेंटर को
स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जैसे एयरपोर्ट होता है, वहाँ से एयरप्लेन्स लॉन्च होते हैं, ये स्पेस पोर्ट है, स्पेस मिशन यहाँ से लॉन्च होते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्च बेस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, सो जो तिरुवनंतपुरम वाला है वहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, और जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश वाला है वहाँ से लॉन्च होता है। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल्स पे। जैसे अभी हमने देखा कि लॉन्च व्हीकल डेवलप होते हैं, लॉन्च व्हीकल लॉन्च किए जाते हैं, तो लॉन्च व्हीकल है क्या भाई, कितने मेन इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल कौन से इंडिया के पास में जिनसे कि अलग अलग मिशंस लॉन्च होते हैं, जल्दी से ब्रीफ देख लेते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यस इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है, जैसे कि चंद्रयान 1 का, चंद्रयान 2 का लॉन्च व्हीकल पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट जो भी मिशंस होंगे उनके लॉन्च व्हीकल्स या रॉकेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो लॉन्च व्हीकल है वो है PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये लॉन्च व्हीकल क्या करता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट से पोलर और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स तक ले जाने का काम करता है स्पेसक्राफ्ट को या सैटेलाइट को, जो भी इसके साथ लॉन्च की जा रही है। सो वॉज डेवलप टू लॉन्च लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स इन टू पोलर एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। ओके, नाउ PSLV जो है वो थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, याद रखेंगे हम। पहला जनरेशन लॉन्च व्हीकल था SLV, जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, तो ये लॉन्च व्हीकल्स का बुजुर्ग है। देन SLV के बाद आया ASLV के बाद आया PSLV के बाद और एडवांस एक टेक्नोलॉजी आ गई GSLV। PSLV GSLV दोनों अलग अलग यू नो एरियाज ऑफ नीड्स में काम में लिए जाते हैं और दोनों ही एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो ये थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है PSLV। किन किन मिशंस में यूज हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट चंद्रयान वन जो 2008 में लॉन्च हुआ था मिशन, उसमें PSLV C11 यूज हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, और मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट मिशन जो हमारा था, यानी कि जिसको हम मंगलयान बोलते हैं, 2013 में जो लॉन्च हुआ उसमें PSLV C25। सो PSLV C11 था चंद्रयान 1 में और मंगलयान में PSLV C25। अब चंद्रयान 2 के साथ क्या हुआ, वो GSLV रेंज आएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब आते हैं हम GSLV पे। सो GSLV का फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वो पोलर था, ये जियो सिंक्रोनस है। क्यों डेवलप किया गया था, हैवियर इनसैट क्लास ऑफ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए। हैवी जो सैटेलाइट्स होती हैं, इनसैट क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जो भी इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स हैं, हैवियर यू नो रेंज में आती हैं, भारी ज़्यादा होती हैं, तो उनको ऑर्बिट तक पहुँचाने के लिए GSAT यूज में लिया गया, बनाया भी इसलिए गया। फोर्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल है SLV ASLV PSLV GSLV। ठीक है, GSLV MK2 इज द लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इंडिया, जो कि करंटली यूज किया जा रहा है। ये डेटा इसरो की वेबसाइट से लिया गया, इनफैक्ट सब कुछ इसरो की वेबसाइट से लिया गया है, और जहां अपडेशन नीडेड थे क्या बोले हम, परफेक्ट सोर्सेज से वो डाले गए हैं। सो एवरीथिंग इज ऑथेंटिकेटेड, यू डू नॉट हैव टू वरी। सो सबसे आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन ध्यान रखेंगे, सबसे लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल जो कि करंटली यूज हो रहा है इंडिया में कौन सा है, GSLV MK2। ओके, अब जैसा मैंने बोला था चंद्रयान 1 और मंगलयान में PSLV यूज हो गए थे, चंद्रयान 2 में कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज हुआ था, GSLV MK3 M1 ये यूज हुआ था चंद्रयान 2 के अंदर। ठीक है, और जो कि इस तारीख को ऑर्बिट के अंदर डाला गया। चलिए देन हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट मिशंस बाय इसरो। अब इसरो ने, हम 10 मिशंस इसमें पूरे में पढ़ेंगे, जो कि कुछ तो हाल ही में लॉन्च हुए, कुछ हैं जो कि लॉन्च होने हैं, और कुछ जो कि पहले लॉन्च हो गए थे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, और इन्होंने इंडियन स्पेस मिशंस को ग्लोबल लेवल पे, इंडिया को ग्लोबल लेवल पे रखा है इन टर्म्स ऑफ स्पेस मिशंस। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ने हैं। रिसेट टू BRI ओहो, GSAT-30, EOS-1, CMS-1, Amazonia-1 जो कि ब्राज़ील का है, हमने लॉन्च किया था। ठीक है, आदित्य L-1 ये सोलर मिशन है, अभी पढ़ेंगे। देन गगनयान 1,
मैन मिशन इंडिया का पहला जो होने वाला है उसकी तैयारी जो चल रही है, निसार, ये नासा और इसरो का जॉइंट है। चंद्रयान 1-2 पढ़ेंगे, क्या थे ये, कब लॉन्च हुए, सारी डिटेल पढ़ेंगे और मंगलयान के बारे में। तो इसके साथ पूरा इंडियन स्पेस मिशन का क्रक्स आपके पास होगा। इनमें से कोई भी सवाल बने, यू विल बी एबल टू आंसर इट, आई एम गारंटिंग इट टू यू। और अगर आप एग्जाम नहीं भी दे रहे हो तो बहुत मजा आएगा जानने में, है ना। चलिए शुरू करते हैं। RISAT-2BRI, RISAT क्या है, रेडार, यहाँ पे हमने आई रियली होप मैंने लिखा, पता नहीं, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट 2BRI। ना ये हालांकि 2019 में, जो रीसेंट वाले हैं 19-20 वाले ही लेंगे, 19 में भी जो बहुत रीसेंट होगा वही लिया जाएगा, वरना 20-21 के हम कवर करेंगे। तो इसका लॉन्च डेट था दिसंबर 11 2019 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। एंड लॉन्च व्हीकल इसका PSLV C-49, एंड 50th लॉन्च था ये PSLV का। PSLV लॉन्च व्हीकल के थ्रू 50वीं जो लॉन्च थी वो थी RISAT-2BRI की, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ से लॉन्च हुआ था याद करने की जरूरत नहीं, श्रीहरिकोटा वाले सेंटर से ही होगा, SDSC से। ऑर्बिट टाइप क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको डाला गया था। 5 साल की इसकी अवधि है, 5 साल तक ये ऑपरेट करेगा। रीसैट, हाँ ये रेडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, ठीक है। रेडार के थ्रू इमेजरी यानी पिक्चर्स क्लिक करेगी, अर्थ की ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ऑब्जर्व करती रहेगी, इन इमेजेस लेती रहेगी, ठीक है, ये काम करेगी। कहाँ कहाँ ये चीज़ें यूज आएंगी, इससे जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी। सो इट इज़ एन अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, EOS, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए प्लांट की गई है। टू हेल्प इंडिया वॉच इट्स बॉर्डर्स क्लोजली, ठीक है, बॉर्डर पर ध्यान रख सकेगी। सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इन सब चीज़ों का जो मैनेजमेंट है या जो ऑब्जर्वेशन है वो पिक्चर्स एंड ऑल के थ्रू, रेडार इमेजरी के थ्रू ये सैटेलाइट इंडियन सेंटर्स पे, स्टेशंस पे भेजती रहती है, और जिसके थ्रू हम बहुत सारे पर्पजेस सॉल्व करते रहते हैं। फिर आता है GSAT, ओके, GSAT के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। GSAT-30 है, कौन सा हम पढ़ेंगे, GSAT-30। नाउ January 17, 2020 में इसको लॉन्च किया गया है, क्या पहले ये देख लो, टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। क्या है ये, टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, मोबाइल टेक्नोलॉजी, जिस भी तरह का कम्युनिकेशन हो वो इसके थ्रू पॉसिबल होता है, जैसे कि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई, जहाँ कहीं भी आप इंटरनेट यूज़ करते हो, स्टॉक मार्केट हो, आपके फिनेंशियल सेक्टर हो, आपके और क्या हो, आपके ATMs हो, देन फोन्स हो, टेलीपोर्ट्स हो, इन सब पे जो टेक्नोलॉजी होगी उसके लिए ये डाली गई है। एंड मिशन लाइफ है मोर देन 15 साल तक ये काम करती रहेगी। अच्छा, बहुत सारी सैटेलाइट घूम रही हैं स्पेस में, ठीक है, फिर उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है फिर दूसरी उसको रिप्लेस करने के लिए भेज दी जाती है, उसको बुला लिया जाता है, वो कहीं आकर के समुद्र में गिर जाती है ऊपर ही कहीं, है ना, ख़त्म हो जाती है। सो लॉन्च व्हीकल इज Ariane 5 VA-251, इंडिया का नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है। Ariane 5 VA-251 कहाँ का है, ये यूरोप का स्पेस पोर्ट है जो कि फ्रेंच गियाना में कोरू लॉन्च बेस है, ओके। तो ये हमने हमारे लॉन्च यू नो स्टेशन से लॉन्च नहीं की थी, कई बार ऐसा होता है टू फॉर वेरियस रीजंस, कॉस्ट कैन बी वन रीजन, टेक्नोलॉजी कैन बी वन रीजन, टाइम कैन बी वन रीजन, तो उसके लिए हमने वहाँ से, लोकेशन कैन बी वन रीजन जहाँ हमें इसको भेजना है, उन सब के लिहाज से यहाँ से किया गया। टाइप क्या है, GTO था, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, और ये जो है वो इसरो के अर्लियर इनसैट या GSAT सैटेलाइट की सीरीज में ही है। इनसैट GSAT सैटेलाइट जो है वो टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ही हैं, वो अलग अलग लेवल पे टेली कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च की जाती है, और उन्हीं की सीरीज में आगे जाते हुए GSAT-30 लॉन्च किया गया। सर्व एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ INSAT-4A स्पेसक्राफ्ट सर्विसेज, INSAT-4A जो प्रक्षेपित की गई थी उसी को रिप्लेस करने के लिए ये डाला गया, ताकि एनहांस्ड कवरेज दे सके, ओके। GSAT-30 और टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, 2020 जनवरी के अंदर ये लॉन्च की गई, कहाँ से की गई, यूरोप के स्पेस पोर्ट से की गई। फिर हम आते हैं EOS-01 के ऊपर। EOS देखिए, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, EOS क्या होता है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ठीक है, अर्थ को ऑब्जर्व करेगी रेडार इमेजिंग टेक्निक से। तो EOS 7 नवंबर 2020 को लॉन्च हुई, 51st लॉन्च था PSLV का, PSLV C-49, ओके, ये लॉन्च व्हीकल था जिससे हुई, कहाँ से हुई हमें पता है, अब पता ही है। देन पर्पज इज EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि अगेन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम
आती एंड रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है दैट विल वर्क टुगेदर विथ रिसैट 2B एंड रिसैट 2BR1 जो कि 2019 में लॉन्च हुई है। तो ये सब रेडार इमेजिंग टेक्निक से टेलीकम्युनिकेशन और जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम तक पहुंचाती है और हमारा जनरल जो मैनेजमेंट है इनटू ऑल दीज फील्ड्स वो स्मूद एन अप होता है। फिर आते हैं हम CMS-01 में, ये अभी तक अर्थ की ही ऑर्बिट में आसपास डाली जा रही हैं, आउटर स्पेस में दूसरे प्लैनेट मून इधर उधर नहीं भेजी जा रही, वो अब आएंगी, ठीक है। फिर आते हैं हम CMS-01 पे, December 17, 2020 में लॉन्च की गई, लॉन्च व्हीकल था PSLV-C50, C-49 अभी देखा था तो ये 52nd लॉन्च हो गया PSLV का, सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुई है, मिशन लाइफ है 7 साल, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, टेलीकॉम सर्विसेज देगी, ठीक है। EOS, GSAT, CMS ये सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो गई। फिर हम आते हैं Amazonia-1 पे जो कि ब्राज़ील की सैटेलाइट है, सब कुछ डेवलप ब्राज़ील ने ही किया था, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका डेवलपमेंट, उसमें जो पार्ट्स लगे हैं सब कुछ हमने सिर्फ लॉन्च स्टेशन लॉन्च बेस प्रोवाइड किया, ठीक है। तो लॉन्च कब हुई है, 28 फरवरी 2021 को, ठीक है, कुछ महीनों पहले हुई है। PSLV-C51 लॉन्च व्हीकल था और सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुई है, ये बताने की अब जरूरत नहीं, इंडिया है तो यहीं से होगी। Amazonia-1 जो है वो ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जैसे कि हम लॉन्च करते रहते हैं, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च INPE जो कि रिसर्च यूनिट है ब्राज़ीलियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस की, उसने डेवलप की है। ओके, पर्पस क्या है, Amazonia-1 जितना भी अमेजोन के जंगल है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, उनसे रिलेटेड स्टडी है परफॉर्म करेगी। सो रिमोट सेंसिंग डेटा भेजेगी फॉर ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ डीफॉरेस्टेशन इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट एंड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में कितनी खेती क्या हो रही है, जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है उसमें कितना डीफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उसके मैनेजमेंट में हेल्प करेगा ये सारा डेटा, उसके लिए ये लॉन्च की गई है। PSLV-C51 या Amazonia-1 दोनों कुछ भी बोल लीजिए इसको, फर्स्ट डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन ऑफ न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में। क्या कंपनी का नाम है, इसरो इज एन ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही एक कंपनी है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, उसके तहत पहला डेडिकेटेड लॉन्च ये हुआ था, और कौन सा है वो, Amazonia-1 या PSLV-C51। मूविंग ओवर टू Aditya-L1, अब देखो ये जो अर्थ के आसपास वाली ऑर्बिट्स हैं वहां तक का काम खत्म हो गया, अब हम जो दूर थोड़ा कुछ भेज रहे हैं, तो Aditya-L1, आदित्य का मतलब होता है सूर्य हिंदी में, है ना, तो ये हमारा सोलर मिशन है, स्पेस का सोलर मिशन है, हम सूरज के पास तक सैटेलाइट भेजने का काम चल रहा है। तो फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन मिशन टू स्टडी द मून, जो सिर्फ मून की स्टडी के लिए भेजा जा रहा हो वो पहला ही मिशन है। सैटेलाइट विल बी प्लेस्ड इन हेलो ऑर्बिट अराउंड लैग्रेंजियन या लैग्रेंजियन पॉइंट 1L1, ये ध्यान रखिएगा, L1 ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कि जो अर्थ की ग्रेविटी है, अर्थ सन की ग्रेविटी और जो इसका खुद का सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बैलेंस हो जाती है, यानी बिना फ्यूल के जो सैटेलाइट है वो अपनी एरिया में रह पाएगी। ओके, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है, आप ये ध्यान रखिएगा कि L1 पॉइंट लैग्रेंजियन पॉइंट तक पहुँचाएगा हेलो ऑर्बिट में, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर है अर्थ से, अर्थ और सन के बीच में 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर तक अर्थ के लेकर के जाएंगे, और पहली बार इंडियन कोई ऐसा मिशन इतनी दूरी तक किसी सैटेलाइट को ले जाने की कोशिश कर रहा है टू स्टडी द सन। नाउ अभी हमने करंट अफेयर्स में हाल ही में देखा था कि Aditya-L1 का सपोर्ट सेल बिल्ड हुआ है उत्तराखंड में, और जो भी डेटा होगा ऑनबोर्ड करना है जो, या फिर जो मिशन लेकर के आएगा उसका सारा स्टडी करना है वो सब यहाँ से होगा। सो इट विल बी मिशन टू अ सिंगल वेब बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड होगा, एंड जितना भी डेटा है ऑनबोर्ड जो जाना है या अभी उसकी तैयारी के लिए जो यूज़ करना है या जब मिशन वापस आ जाएगा उसके बाद जो एनालिसिस करना है वो सारा काम यहाँ से होगा। लॉन्च डेट क्या है, जनवरी 2022 में ये मिशन लॉन्च होने की तैयारी में है अभी तक। लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज़ होगा, PSLV-XL, PSLV-XL विल बी यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, और कहाँ से लॉन्च होगा, इंडिया से ही होगा, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगा। फिर हम आते हैं गगनयान, गगनयान इज द मैन स्पेस मिशन ऑफ इंडिया, ठीक है, अभी तक हिंदुस्तानी पहुंचे हैं स्पेस में पर इंडियन मिशंस के थ्रू नहीं पहुंचे हैं, सो इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन विल बी गगनयान। ओके, अन तैयारी चल रही है,
इट विल सर्कल अर्थ एट अ लो अर्थ ऑर्बिट 300 से 400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ और 5 से 7 दिन तक के लिए रहेगा. तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही ये सैटेलाइट जाएगा और अप टू 7 डेज वो उस ऑर्बिट में रहेगा और उसमें जो अंदर एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो उसमें यू नो उनको लेकर के जाएगा. एंड गगनयान ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट प्रोजेक्ट अगस्त 2018 में इसकी काम चालू हो गया, किक ऑफ यानी काम स्टार्ट हो गया है एंड एक्सपेक्टेड है कि 2022 तक लॉन्च हो जाएगा. एक्चुअली प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया था इस मिशन के बारे में कि हम गगनयान लॉन्च करेंगे, वी विल बी सेंडिंग आर मैन टू स्पेस और 2022 तक हम ये कर पाएंगे, ठीक है, जो कि इंडिया की 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी होगी तब तक. लेकिन अब कोरोना के चलते, कोविड के चलते थोड़ा डिले हो रहा है बिकॉज काम उतनी तेज़ी से नहीं चल पा रहा. सो इसमें टोटल 3 फ्लाइट्स होंगी जो कि 2 तो अनमैंड होंगी और 1 मैंड होगी. जो अनमैंड है यानी कि उसमें इंसान नहीं जाएंगे, तीसरी जो फ्लाइट होगी इसमें इंसान जाएंगे. और थोड़ा एक टेंटेटिव शेड्यूल हाल ही में रिलीज़ किया है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पेस हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि जो पहला अनमैंड मिशन होना है वो दिसंबर 2021 में होना है. देन जो सेकेंड अनमैंड मिशन होना है वो 22 से 23 के बीच में कभी भी हो सकता है और 2023 से पहले हम लॉन्च नहीं कर पाएंगे मैन्ड मिशन को. ये उनका लिखित स्टेटमेंट गया था. नाउ जो अभी पहला अनमैंड मिशन होना है दिसंबर 2021 में वो कौन से लॉन्च व्हीकल के थ्रू होना है? जी एस एल वी एम के थ्री के थ्रू होना है, ये याद रखेंगे हम, ठीक है. और बाकी जब मैन्ड मिशन होगा, अभी उसमें थोड़ा टाइम है, तब हम पार्टी करेंगे. चलिए नेक्स्ट, फिर हम आते हैं निसार सैटेलाइट पे. निसार मैंने आपको अभी शुरू में बताया था, नासा इसरो सार सैटेलाइट. सार क्या है? सिंथेटिक एपर्चर रडार, है ना. तो ये भी सारी स्टडी करेगी अर्थ के सरफेस की, पानी की, तो बेसिकली ऑर्बिट के पास ही रहेगी. एंड अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, अर्थ को ऑब्जर्व करने वाली सैटेलाइट है. सो लॉन्च डेट है 2022 में लॉन्च होना है और 3 साल तक के लिए मिशन है. क्या करेगी? अर्थ के लैंड को, आइस कवर्ड सर्फेसिस को, नॉट जस्ट ऑन इंडिया एंड यूएस बट ग्लोबली मेजर स्टडी करेगी. अर्थ के चेंजिंग इकोसिस्टम्स को, डायनेमिक सर्फेसिस जो चेंज होते रहते हैं कहीं पे, यू नो, कुछ भी अगर टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड ऑल भी हो रही है. देन नेचुरल हजार्ड, सी लेवल, ग्राउंड वाटर, इन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके और उनको एप्लीकेशन के पर्पस से एनालिसिस करके देगी, ठीक है. पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है नासा और इसरो, इनका साइन हुआ था सितंबर 2014 में, दैट विल बी लॉन्चिंग अ जॉइंट सैटेलाइट फॉर दिस पर्पस. ओके, निसार. नाउ चंद्रयान. अब चंद्रयान हमारे मिशन पहले लॉन्च हो चुके हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने कहा, क्योंकि वापस से चांद पे जाने की रेस तेज हो गई है और मंगल पे जाने की रेस भी चालू हो गई है. सो चंद्रयान मिशन जल्दी से देख लेते हैं. हमारे 2 चंद्रयान मिशन लॉन्च हुए, पहला सक्सेसफुल रहा, दूसरा नॉट सक्सेसफुल रहा बिकॉज ऑफ लास्ट में जो तकनीकी गड़बड़ आ गई थी. और चंद्रयान 3 पे काम चल रहा है, ठीक है, जो थोड़ा सा डिले हो रहा है. तो चलिए देखते हैं. चंद्रयान 1 पहला मिशन था मून पे भारत का, कब लॉन्च हुआ था? अक्टूबर 22, 2008. अनमैंड था, इंसान नहीं, मतलब हिंदुस्तानी अभी तक नहीं गया मून पे. कहाँ से लॉन्च हुआ? वहीं से जहाँ से इंडिया में होते हैं लॉन्च. लॉन्च व्हीकल PSLV C11, पढ़ा था अभी पहले भी, इंपॉर्टेंट एग्जाम में सवाल बन चुके हैं कई बार. मिशन लाइफ 2 साल का ये था और मून से रिलेटेड जो भी आंकड़े थे, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो ये लेकर के सक्सेसफुली इसने पहुंचाई हम तक. फिर चंद्रयान 2. चंद्रयान 2 जो मिशन था ये July 22, 2019 में लॉन्च हुआ. GSLV MK3 M1 लॉन्च व्हीकल था. इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर, लैंडर का नाम था विक्रम, ये याद करिएगा, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. रोवर, अब आपको पता है रोवर क्या होता है, रोवर का नाम था प्रज्ञान और इनको एक्सप्लोर करना था साउथ पोल ऑफ द मून. साउथ पोल बहुत डिफ़िकल्टी से पहुंचा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये मिशन, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए. लॉन्च्ड श्रीहरिकोटा वाले सेंटर से हुआ. इसरो ने प्लान की थी साउथ पोल पे लैंडिंग लूनर सरफेस के, और जो लैंडर विक्रम था, लेकिन जब वो लैंड किया तो वो हार्ड हिट हो गया, न्यूज़ में आपने देखा होगा इफ़ यू वॉच द न्यूज़, और उस वजह से वो क्षतिग्रस्त हो गया और डेटा वगैरह हम तक नहीं पहुँच पाया, ठीक है. और ऑर्बिटर जो है, जो ऑर्बिटर था वो अभी भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है और उसकी मिशन लाइफ है 7 इयर्स की. ऑलराइट, फिर हम आते हैं मंगलयान हमारा. अच्छा, चंद्रयान 3 जिस पे भी काम चल रहा है वो भी देख लो. थर्ड मिशन है मून पे. लाइकलीहुड है कि 2022 में लॉन्च हो जाएगा जिस गति से काम चल रहा है, तो इसरो ये कह रहा है हम 2022 तक लॉन्च कर पाएंगे. और चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा,
क्योंकि एक ऑर्बिटर ऑलरेडी हमारा चांद पे इधर घूम रहा है, शायद ये सोच करके इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, सो इसमें क्या होगा, लैंडर और रोवर होगा, अभी तक ऐसी बात है, इन्फॉर्मेशन है। फिर हम आते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन पे, जो हमारा मंगलयान था उसका नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन। अब ये ऑर्बिटर मिशन था तो सिर्फ मंगल के आसपास घूमने का काम था, मूवी देखी थी मंगलयान वाली, है ना, उसमें भी ये दिखाया गया था। इंडियाज फर्स्ट मिशन टू रेड प्लैनेट, मंगल को मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं। कॉमनली रिफर टू एज मंगलयान वन, मार्स ऑर्बिटर मिशन को मंगलयान वन भी कहा जाता है। लॉन्च व्हीकल क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट, PSLV C25 जो हम पहले देख चुके हैं। लॉन्च डेट 5 नवंबर 2013 में हमने लॉन्च किया था, तो पहले चंद्रयान वन आया 2008 में, फिर मंगलयान वन आया 2013 में, फिर चंद्रयान टू आया 2019 के अंदर। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं करेंगे इसमें हम कुछ भी। ये देखिए 2008 में चंद्रयान वन आया था हमारा, फिर 2019 में चंद्रयान टू, और इस बीच 2013 में मंगलयान वन आ गया। लॉन्च साइट वही है, श्रीहरिकोटा वाली। मार्स ऑर्बिट इंसर्शन 24 सितंबर 2014 को मार्स के ऑर्बिट में इंसर्ट हो गई थी ये सैटेलाइट। सो आई रियली होप यहाँ तक की कथा कहानी समझ में आ गई होगी। दिस वॉज ऑल अबाउट इसरो एंड आर वेरियस स्पेस प्रोग्राम्स। अब जो अमेरिकन स्पेस मिशंस हैं, जिसमें कि नासा मिशन, जिनको कि नासा मिशन कहा जाता है, फिर जाक्सा है जो जापान का है, चाइनीज मिशंस हैं, यूएई बहुत आगे आ रहा है, रशिया ने वापस मून पे मिशन लॉन्च करना अनाउंस कर दिया है, तो ये जितने भी मिशंस हैं और जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है अपार्ट फ्रॉम इंडियन स्पेस मिशंस, वो हम अगले सेशन में आपके लिए लेकर के आएंगे। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट, एंड येस ऑफ कोर्स PDF मैं बता दूँ दोनों ही सेशंस का, इंडियन स्पेस मिशंस का भी एंड जो बाकी स्पेस एजेंसीज हैं अलग देशों की, उन सबका एक कंबाइंड PDF आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। बहुत ही जल्दी ऐप लॉन्च हो रही है, एंड जो बच्चे डिमांड करते रहते हैं कि मैम इंडिविजुअल PDF ना डाउनलोड करने पड़े, कोई एक पैकेज दे दीजिए, तो दैट ऑल्सो वी आर कमिंग अप विद। सो स्टे ट्यून फॉर ऑल दीज अपडेट्स एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।